हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माता रानी के पास एक बहुत ही अच्छे के आई मीन वी ऑल्सो हैप्पी होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए एंड वेल विशेज दीजिए, सो मैं भी वी ऑल्सो हैप्पी रहूँ एंड आप लोग की वेल विशेज के द्वारा मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूँ। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव वालों के साथ, मुझे शेयर कीजिए। सो आज का टॉपिक तो आप लोग आई मीन समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या टाइटल डाला है। सो फ्रेंड, एक्चुअल में क्या है कि मैं उसी दिन की वीडियो क्लिप मैं आई मीन मैंने जो शूट की थी वही वीडियो क्लिप मैं आप लोग के लिए ए डाल रही हूँ। सो फ्रेंड, आई मीन करना बट एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को कैसी लग रही, कैसी नहीं लग रही है। आई मीन ये उसी एज 6 आई मीन 6 अप्रैल की वीडियो है। सो फ्रेंड, मैंने केक बनाया था, मैंने बताया ही था आप लोग को कि मेरी दीदी एंड भैया का बर्थडे था। सो मैंने केक बनाया था, सो मैंने डायरेक्टली कुकर में डाला है ये। आई मीन बहुत थिकनी किया है, सो आई मीन कंसिस्टेंसी आप लोग की बहुत ही ज़्यादा थिकनी होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। सो मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से केक बनाया। सो फ्रेंड, जो मिला वही मैंने उसी से केक बनाया। सो फ्रेंड, ये ऑरेंज फ्लावर बिस्किट से मैंने केक बनाया। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो एंड मैदा ली है मैंने और ए मिल्क लिया है एंड पिसी हुई चीनी आई मीन शुगर ली है। सो फ्रेंड, और बिस्किट लिया है। सो फ्रेंड, आप लोग को और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। सो मैंने आप लोग को उसी से पूरा फुल वीडियो नहीं दिखाई, सो उसके लिए सो सॉरी, मैं बहुत जल्दी में थी। उसके बाद मैं कभी आप लोग को जरूर दिखा दूँगी कि मैंने किस टाइप से बनाया था और कैसे बनाया था, बट ये जरूर दिखा दिया मैंने बिना सीटी के मैंने कुकर चढ़ाया था और तवे पे चढ़ाया था फ्रेंड। सो पहले मैंने बहुत तेज़ कर दिया था, फिर उसके बाद से मैंने डाउन कर लिया था फ्रेंड। सो फ्रेंड, उसके बाद एंड आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैंने इडली एंड सांभर बनाया। सो मैंने एक साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया है। सो एक एक रेडी हो गया, मैंने आप लोग को दिखाया है कि एक एक किस टाइप से रेडी हुआ है। सो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लगी है इसमें, बहुत ज़्यादा सामान आई मीन नहीं लगा है। सो फ्रेंड, उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं मैंने सांभर बनाया है, किस टाइप से बना रही, बड़े कुकर में बनाई, बहुत ज़्यादा लगता है मेरे यहाँ। सो बहुत जल्दी थी बिकॉज बच्चों को जाना था इसलिए। एंड फ्रेंड, कभी आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगी किस टाइप से रेसिपी मैंने दी है। सो अगर आप लोग को पसंद आए सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जरूर पूछना, मैं आप लोग को ज़रूर रेसिपी बताऊंगी। सो फ्रेंड, मेरे इडलियाँ भी तैयार हैं। सो आप लोग को मैंने इडलियाँ भी ऐसे ही चढ़ा के बता दी हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपके आनंद दास गुप्ता। सो आज के लिए बस इतना।